हम मदीना, ठहरो ठहरो, हम ये नहीं कहते कि मक्का शरीफ, हम कहते हैं मक्का है मौसमा, मदीना शरीफ नहीं कहते, मदीना है मुनव्वरा, नहीं नजफ शरीफ नहीं कहते, नजफ है अशरफ। नजफ शरीफ नहीं कहते, नजफ है अशरफ, नजफ है अशरफ, करबला शरीफ नहीं कहते, करबला है मोहल्ला। इज्जतें हैं
हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम उन इमामों के मानने वाले हैं कि जिन्होंने जमीन की वजह से इज्जत हासिल नहीं की, वे इज्जत जमीनों को मोहल्ला बना चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए। आप जो कुछ कहते हैं कम से कम आपका फरीजा है, जब आप इतने शरीफ हैं इसी एक दिन तो शराफत का मुजाहरा कीजिए। आप पूछते हैं हमसे हमारा अब तक कायम क्यों है, हमारा अब तक इमाम बाकी क्यों है। भाई आप हर नमाज में तो कहते हैं अल्लाह कायम रख, अल्लाह सलामत रख, ऐ अल्लाह सलामती भेज, ऐ अल्लाह रहमतें भेज, ऐ अल्लाह बरकतें भेज, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कमा सल्लैता, जैसा कि तूने भेजी थी किस पर, इब्राहिम पर और आले इब्राहिम पर। मेरी जान कभी इस दुरूद के तर्जमे पर गौर भी किया भी इस दुरूद के तर्जमे पर गौर भी किया जो आप फरमाते हैं, ऐ अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद पे ऐसा ही दुरूद भेज जैसा कि तूने इब्राहिम और सुर्रियत इब्राहिम पर भेजा था, इब्राहिम और आले इब्राहिम पर भेजा था। तो मालूम ये हो गया ना, ये बात तो तय हो गई ना कि दुरूद रसूलल्लाह के जमाने में आए, दुरूद नाजिल होने के बाद ही शुरू नहीं हुआ। इब्राहिम और सुर्रियत इब्राहिम पर इससे कब्र भी चला आ रहा है, इससे कब्र भी दुरूद आ रहा है। आप हवाला दे रहे हैं इस दुरूद का हवाला दे रहे हैं कि इब्राहिम पर भी दुरूद आया, जुर्रियत इब्राहिम पर भी दुरूद आया। कभी नमाज में दुरूद भेजते वक्त एक लम्हे के लिए इतना तो सोच ले कि ये जुर्रियत इब्राहिम है कौन, ये आले इब्राहिम है कौन। क्या माज़ल्लाह फिरौन आले इब्राहिम है, नमरूद आले इब्राहिम है, शद्दाद आले इब्राहिम है, हमान आले इब्राहिम है, कारून आले इब्राहिम है, अबू लहब आले इब्राहिम है, अबू जहल आले इब्राहिम है। क्या ये आले इब्राहिम में है? नहीं, ये आले इब्राहिम में नहीं है। आपको तस्ली इसलिए कि कुरान कह चुका है कि ला जलालो अहद सालिमीन, मेरे खलील याद रखो कि हमारा ये ओहदा इमामत जो है वो ना तुम्हारी औलाद में से हो, लेकिन जो जालिम होंगे ओहदा इमामत उन तक नहीं जाएगा। मतलब ये है कि तुम्हारी नस्ल में से जो जालिम होगा हम उसे जुर्रियत से निकाल देंगे। और इससे पहले मिसाल मौजूद है, इससे पहले कुरान में मौजूद है मिसाल किसरे नूह की, कि नूह लैसम ने अर्ज किया तेरा अहद नहीं रहा, ये कहा था ना नूह के बेटे ने, और क्या किया था। तवज्जो है ना, आने तो अगर तूफान आता है तो पहाड़ पर चढ़कर जान बचाऊंगा, नबी कहता रहा सफीने पे बैठ जा। एक बड़ा लतीफ इशारा है, अगर आप गौर फरमा लें, नबी कहता रहा सफीने में बैठ जा, लेकिन वो नबी को अकेला छोड़कर पहाड़ पर चल गया। पहाड़ पर चढ़ गया, मैं पहाड़ पर चढ़कर जान बचा लूंगा, तूफान आए तो आ जाए,
मेरा क्या बिगाड़ेगा, पता नहीं ये नबी से बगावत करके लोगों को सिर्फ पहाड़ ही पर तुम बना देती है। बड़ी तवज्जो दोस्तों, जब नबी ने कहा कि परवरदिगार ये मेरा बेटा है, आवाज कुदरत आई, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नहीं ये तुम्हारा अहल नहीं कहा। नूह का बेटा हकीकी बेटा सबबी रिश्तेदार नहीं, नसबी। सबबी रिश्तेदार नहीं, नसबी रिश्तेदार। क्या कोई मुश्किल लफ्ज कहा तो नौजवान नहीं समझ रहे। नूह का बेटा नूह का हकीकी बेटा था, बाप और बेटे का वो रिश्ता जो कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन जब नूह के बेटे ने नबी से बगावत की, वो नबी का अहल नहीं रहा, तो जब सगा बेटा हकीकी बेटा नसबी रिश्तेदार नबी को अकेला छोड़कर अगर पहाड़ पर चढ़ जाए तो वो नबी का अहल नहीं दे रहता, तो ये लिए दिए रिश्तेदार। कोई नहीं होगा जिसे काफिर कहते हो उसी पर दुरूद भेज रहे हैं।